और फिर बाबा उस भेड़िया की मुंडी को ही टेढ़ा कर देते हैं। ये देखकर तो भाव भी डर जाते हैं। दोस्तों आज गुल्ली बुली सोन अपने घर के बाहर टीवी देख रहे हैं, लेकिन सोन तो लगता है कि आज मस्ती के मूड में है। बुल्ली बोलता है, सोन तुम मुझे टीवी देखने दो, टीवी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज दे रही है। दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, हमारे शहर पर एलियन ने अटैक कर दिया है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप लोग अपने घर में ही रहिएगा, वरना आप पर भी जानलेवा हमला हो सकता है। पीपो पीपो, अरे यहाँ पर भी एलियन आ गया, बचाओ। गुल्ली बोलता, बुल्ली ये तो बहुत ही गंभीर बात है, हमारे शहर पर एलियन ने कब्जा कर लिया है। बुल्ली बोलता, गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरी नानी तो ये भी बोलती थी कि एलियन बहुत ही खतरनाक होते हैं और वो हमारे शरीर पर कब्जा कर हमारे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। सोन बुल्ली की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बुल्ली बोलता, सोन तुम्हें मजाक लग रहा है, मेरी नानी ने एलियन के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। सोन बोलता, लगता है कि तुम्हारी नानी का इस बुढ़ापे में दिमाग खराब हो चुका है, एलियन सिर्फ कहानियों और किताबों में होती है। गुल्ली बोलता, पर सोन तुमने भी देखा कि उस न्यूज रिपोर्टर पर एलियन ने कैसे हमला किया। सोन बोलता, गुल्ली ये सारे न्यूज रिपोर्टर लोग हमें पागल बना रहे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। गुल्ली बोलता, नहीं सोन मुझे भी लगता है कि एलियन हमारे शहर पर कब्जा कर चुका है और इस शहर को हम लोग की जरूरत है। बुल्ली बोलता, ये सब छोड़ो, उधर देखो रॉड तो दौड़कर इधर ही आ रहा है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ रॉड, तुम भागे भागे क्यों आ रहे हो। रॉड बोलता, क्या बताओ गुल्ली, मैं तो अपने घर जा रहा था लेकिन सड़क के अवारे कुत्ते मुझे देखकर भौंकने लगे और मैंने गुस्से में कुत्ते को एक लात मार दिया, इसीलिए वो सारे कुत्ते मेरे पीछे दौड़ने लगे। सोन बोलता, रॉड तुम्हें कुत्ते ने काटा तो नहीं। रॉड बोलता, नहीं सोन पर वो कुत्ते काफी अजीब लग रहे थे, जैसे लग रहा था कि उस कुत्ते के शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा है। गुल्ली बोलता, कहीं वो कुत्ता वो तो नहीं। रॉड बोलता, गुल्ली मुझे बचा लो, वो कुत्ता भौंक कर वहां से भाग जाता है। गुल्ली बोलता, रॉड तुमने न्यूज देखा, हमारे शहर पर एलियन ने अटैक कर दिया है। रॉड बोलता, ये क्या बोल रहे हो गुल्ली, मैं पहले से ही काफी डरा हुआ हूँ, तुम मुझे और मत डराओ। सोन बोलता, ऊपर देखो ये तो एक अजीब सा चीज जंगल में ही जा रहा है। बुल्ली बोलता, कहीं ये यूएफओ तो नहीं, लगता है कि एलियन हमारे पास वाले जंगल में उतरने वाला है। गुल्ली बोलता है, तब तो हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार एलियन दिखता कैसा है और क्या एलियन की बनाई हुई बातें सच भी है। रॉड बोलता, गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं वो एलियन हम पर हमला ना कर दे। गुल्ली बोलता, ये क्या बोल रहे हो रॉड, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम सूरवीर गुल्ली के दोस्त हो और गुल्ली के दोस्त को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। एक बार मेरे गांव में बहुत सारे एलियन ने अटैक कर दिया था और फिर क्या था, मैंने एक एलियन का गर्दन इन्हीं हाथों से दबोचा और मैंने उसको बोला कि ये गुल्ली का इलाका है। मेरा नाम सुनते ही वो दुम दबाकर वहां से भाग गया। बुल्ली बोलता, अगर तुम लोग का बकवास बंद हो गया है तो फिर हमें जंगल में चलकर उस एलियन को पकड़ना चाहिए, नहीं तो ये एलियन हमारे लिए और भी खतरनाक हो सकता है। सोन बोलता, अगर वो खतरनाक है तो मैं भी उससे ज्यादा खतरनाक हूँ। गुल्ली बोलता, चलो चलो अब हमें देर नहीं करना चाहिए, और फिर सारे लोग जंगल में जाने लगते हैं। रॉड बोलता है, जंगल से तो भेड़िए की आवाज आ रही है और मुझे भेड़िए से काफी ज्यादा डर लगता है। गुल्ली बोलता, तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने गांव में बहुत सारे भेड़िए को मारा है। सोन बोलता, तो इसे भी मारो। गुल्ली बोलता है, बुल्ली और सोन मुझे बचा लो, मुझे भेड़िए से बहुत ज्यादा डर लगता है। बुल्ली बोलता, गुल्ली अभी तो तुम बोल रहे थे कि मैंने गांव में बहुत सारे भेड़िए को मारा है और तुम बस एक भेड़िए को देखकर डर गए। गुल्ली बोलता, बुल्ली मैं तो सिर्फ तुम लोग के सामने फेंक रहा था, मैंने गांव में कोई भी भेड़िए भेड़िए को नहीं मारा है। तभी वो भेड़िया सोन पर छलांग लगा देता है और उसे खाने की कोशिश करने लगता है। गुल्ली बोलता, जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो ये भेड़िया हमें भी खा जाएगा। बुल्ली बोलता, हम लोग सोन को छोड़कर इस तरह नहीं भाग सकते, तो आखिरकार इस भेड़िया का सामना करेगा कौन। तभी बुल्ली हंसते हंसते बोलता है, इसकी चिंता तुम मत करो गुल्ली, आ गया इस भेड़िया का बाप।
अरे ये क्या, ये तो बाबा है और बाबा तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं। सोन बोलता भाव उसे छोड़ना मत, इसने आज मुझे खाने की कोशिश की है। और इधर गुल्ली मुल्ली और रॉड उछल उछल कर बाबा को और जोश में ला रहे हैं। बाबा बाबा गरम कर दो तावा, बाबा उसे छोड़ना मत, उसने आपके चेले पर हमला करने की कोशिश की है। और फिर बाबा उस भेड़िया की मुंडी को ही टेढ़ा कर देते हैं। ये देखकर तो भाव भी डर जाते हैं और फिर वो भेड़िया वहाँ से उठता है और सीधे जंगल में भाग जाता है। गुल्ली बोलता बाबा अगर आप सही समय पे नहीं आते तो वो भेड़िया सोन को तो कच्चा ही चबा जाता। बाबा बोलते ये सब छोड़ो, पहले तो तुम ये बताओ कि आखिरकार इतनी रात को तुम लोग इस जंगल में करने क्या आए हो। बुल्ली बोलता बाबा आपको शायद पता नहीं है कि हमारे शहर पर एलियन ने अटैक कर दिया है और उस एलियन का जहाज इस जंगल में ही आया है, इसीलिए हम लोग उस एलियन को पकड़ने आए थे। बाबा बोलते ये सब फालतू की बातें, एलियन मेलियन कुछ भी नहीं होता। सोन बोलता नहीं बाबा, हम सब ने न्यूज में देखा है और वो एलियन का जहाज भी घर ही आया है। बाबा इधर उधर देखते हैं और बोलते हैं यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। गुल्ली बोलता नहीं बाबा, उस एलियन का जहाज इसी जंगल में आया है। बाबा बोलते हैं जरूर तुम लोगों को कोई वहम हुआ है। सोन बोलता बाबा वो एलियन एक एक कर हमारे शहर के लोगों को मार भी रहा है और अगर हमने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो हमें भी मार डालेगा। बाबा बोलते तुम लोग अपनी बकवास बातें बंद करो और चुपचाप अपने घर निकल जाओ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे काली पहाड़ी पर तपस्या करने के लिए जाना है। और फिर बाबा अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। गुल्ली बोलता शायद हम लोग के साथ कोई भ्रम हुआ है, हम लोग को अब घर चलना चाहिए, ऐसे भी काफी रात हो चुकी है। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और मुझे काफी नींद भी आ रही है। और फिर सारे लोग अपने घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी सोन को पीछे कुछ झाड़ियों में हिलने की आवाज आती है। सोन धीरे धीरे उस झाड़ी के पास चला जाता है। और फिर तभी लगता है कि सोन ने कुछ डरावना देख लिया है। तभी गुल्ली पीछे से आवाज लगाता है, सोन तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी चलो हमें घर जाना है। और फिर सोन गुल्ली के पास चला जाता है। बुल्ली बोलता आखिरकार तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे सोन। सोन अपना मुंडी हिलाता है और फिर सारे लोग वहाँ से घर चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद रॉड बोलता है गुल्ली बुल्ली मुझे काफी डर लग रहा है, इसीलिए आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही सोना चाहता हूँ। बुल्ली बोलता इसमें सर मारने वाली क्या बात है रॉड, ये तुम्हारा ही घर है। और फिर सारे लोग घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। सारे लोग घोड़े बेचकर सोए रहे होते हैं तभी अरे ये सोन को क्या हो गया है और ये चाकू लेकर तो बुल्ली की तरफ ही बढ़ रहा है। बुल्ली की चीख सुनकर सारे लोग उठ जाते हैं। सोन बोलता क्या हुआ बुल्ली, आखिरकार तुम इतने जोर से चिल्लाए क्यों। बुल्ली बोलता मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, मैंने देखा कि तुम मुझ पर चाकू से हमला करने जा रहे थे। गुल्ली बोलता लगता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी तक रात वाली बात गई नहीं है। रॉड बोलता लगता है कि बुल्ली के दिमाग में अभी भी एलियन वाली बातें चल रही है और ऐसे भी अब सुबह हो चुकी है, मैं चला अब अपने घर। और फिर सारे लोग घर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन तभी तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।